वो मैंने अबू की दवाई नोट कर ली, शाम को फिजियो पे ले जाऊंगी। अभी मैं जरा बाहर जा रही। सुनो ना फजर, फोन क्यों नहीं उठा रही बताओ? मुझे नहीं पता वो फोन क्यों नहीं उठा रही। समझदार औरत है, आप उसे पूछना कि वो फोन क्यों नहीं उठा रही। क्या हुआ है नूर? मैं हॉस्पिटल गई थी, वहां से मिलने गई तो मैडम ने बात तक नहीं की। पता नहीं उसके जहन में क्या चल रहा है। मैंने बोलने की कोशिश की थी, वो आंखें फाड़ के देख रही थी कि मैं भी कुछ ना कहूँ। फजर हॉस्पिटल में एडमिट थी, क्या हुआ कुछ उसे? भी नहीं हुआ उसे, बेहोश हो गई थी। सैम उससे ले गया, डॉक्टर ने कहा बिल्कुल ठीक है, तो वो बिल्कुल ठीक है। मैं कपड़े बदल के आ रही हूँ, हम जा रहे नहीं, हैं। अम्मी हम नहीं जा रहे, उसे हमारी नहीं जरूरत। ये पकड़ो, मैं कपड़े बदल कर आ रही हूँ, हम जा रहे हैं। अम्मी मुझे तो एहसास ही नहीं होता कि आप लोगों की बेटी हमारे घर में है। बस साइम आकर बता देता है कि उसका दिल नहीं है कमरे से बाहर आने का। असल में फजर की तबीयत जरा खराब है। हाँ देखो ना, अब तुम इस घर में नहीं रहती हो लेकिन तुम्हें हर चीज का पता है, और तबीयत तो आए दिन खराब रहती है उसकी। बुखार नहीं होता, सर में दर्द नहीं होता, जुकाम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो अपने मुंह से कह देती है कि तबीयत खराब है तो हमें मानना पड़ता है। भाभी आप बिल्कुल फिक्र नहीं कीजिए, आपकी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। मैं बात करूंगी ना फजर से, और अगर आपको आइंदा भी कोई शिकायत हो तो आप मुझे टेलीफोन कर दीजिएगा, मैं समझा दूंगी उसको। मुझे कोई शौक नहीं है आपकी बेटी की शिकायतें करने का, पहले ही वो मेरे बेटे को काफी बदजन कर चुकी है मुझसे। हम लोग तो खामखा उसे पागल समझते रहे। मेरे ख्याल में तो वो हम सबको पागल बना रही है। मेरी बहन पागल नहीं है, ये तो आप लोगों को ज्यादा बेहतर पता होगा, क्योंकि हमें तो बहुत सारी चीजों का बाद में पता चला और शायद अभी बहुत सी चीजें पता चलना बाकी भी हैं। बेहतर होगा कि आप फजर को उसके कमरे में ही जाकर मिल लीजिए, क्योंकि वो तो नीचे आना गवारा नहीं करती। बेशक आप लोग सारी रात बैठकर यहाँ इंतजार कीजिए, वो नहीं आएगी, इसलिए बेहतर है आप लोग वहां चले जाए।